नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी दांतों के पीलापन को दूर करने की कुछ एक घरेलू औषधियों के बारे में जानते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी के दांतों को पीला और काला देखता है तो उसके मन में विचार आते हैं कि जरूर यह व्यक्ति तंबाकू, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि नशीली चीज़ों का सेवन करता होगा। दांतों को साफ रखने के लिए हम इसीलिए आज लेकर के आए हैं कुछ एक घरेलू नुस्खे जिसके सहारे आप अपने दांतों को चमका सकते हैं। दांतों का पीलापन हमारे व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक असर डालता है। इससे बचने के लिए दांतों का पीलापन दूर और दांत साफ करने के घरेलू उपाय जरूर जानना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो दांतों का पीलापन हमारी मुस्कुराहट छीन लेता है। हम किसी के सामने खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं, सेल्फी लेते वक्त दांत नहीं दिखा सकते, किसी व्यक्ति से बातें करते वक्त दांत को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही अन्य समस्याएं भी होती रहती हैं, क्योंकि दांतों का पीलापन या यूं कहें कि दांतों का सफ़ेद न होना सामने वाले व्यक्ति के मन में हमारे प्रति बुरी छवि बना देता है। दांत साफ कैसे करें, इसके बारे में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, उपचार बता रहे हैं जिनके सहारे आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए वैसे तो आप सभी जानते होंगे घरेलू औषधियों में से एक है कि आप नमक लीजिए और उसमें सरसों ऑयल लीजिए, इसके बाद एक नींबू निचोड़ लीजिए, सप्ताह में दो दिन आप ये प्रयोग कीजिए जब तक कि दांत आपके पीले हैं। आपको ब्रश की सहायता से इस नींबू, नमक और सरसों ऑयल के मिश्रण से दांत को साफ करना है। सॉफ्ट हैंड से ही दांतों को अच्छे से ब्रश करें, इनर और आउटर दोनों साइड पर ब्रश करें। आप सप्ताह में दो दिन करें, जब आपके दांत चमकने लग जाएं, साफ़ हो जाएं, तब इसको ना करें, क्योंकि नींबू में एसिड होता है। तो ये तभी तक के लिए जब दांत पूरे पीले हों, आपके दांत ख़राब दिखते हों, उस वक्त इसको यूज कीजिए। इसके बाद तो नॉर्मल आप ब्रश करते हैं वो सही है आपके दांतों के लिए। आपके दांत अगर ऐसा आप करते हैं तो साफ, चमकीले और स्वच्छ बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे। तो ये था आज का हमारा देशी नुस्खा, घरेलू उपाय। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।